राम राम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत खबरों की करेंगे और खबरों में सबसे बड़ी खबर का सबसे पहले जिक्र, रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आप सभी ने देखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान के तौर पर आपको नजर आए। 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे हैं। प्रधानमंत्री हाथ में चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह में प्रवेश करते हुए तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा प्रधानमंत्री ने की, पूरे विधि विधान के साथ यजमान की तरफ से पूजा संपन्न होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की है। पूजा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आए होंगे गर्भगृह में। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत दिखे हैं प्रधानमंत्री के साथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। इनके साथ ही वीवीआईपी का जमावड़ा आज इस समारोह में देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी साथ थे, उनकी पत्नी नीता अंबानी भी नजर आई दृश्यों में। रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेता रजनीकांत, हर एक बड़ी हस्ती का जमावड़ा आज इस स्थल पर देखने को मिला है। संगीतकार अनु मलिक, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ ही कई गणमान्य लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की है। राममय माहौल आज इस भव्य कार्यक्रम में देखने को मिला है। अलग अलग तस्वीरें जो आज इस भव्य आयोजन से निकलकर सामने आई हैं, इतिहास बनता हुआ आज हर एक देशवासी देख पाया है। और भले ही आप अयोध्या ना पहुंच पाए हो, मैं ये दावा कर सकती हूँ कि निश्चित ही घर बैठे आपने उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी यही नजारा आपने बीते 11 दिनों से देखा है। हफ्ते भर से तैयारियां चली हैं, उन तैयारियों का निष्कर्ष ये कि आज अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंदिर भी राम भक्ति में सराबोर, और साथ ही निकल कर आई है अमृत के तौर पर रामलला की ये खूबसूरत तस्वीरें। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हर एक दृश्य को एक साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जो तस्वीर है वो अपना एक अलग ही मूल्य बयां करती हुई। प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, साष्टांग प्रणाम किया रामलला को, उसके बाद विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम चला है। अच्छी बात यह भी कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जितने भी लोग आज यहाँ पर पहुंचे थे उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामलला के दर्शन कर पाए। आज उसी प्रकार की व्यवस्था और कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से भी, बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम था, कई नामी हस्तियां पहुंची थी। और उसके साथ ही ये तस्वीरें बहुत खास, ये तस्वीरें जरूर देखिएगा जो ये बताती है कि जो श्रमदान कर रहे हैं वो महादान कर रहे हैं, उनका सम्मान होना सबसे पहले बहुत जरूरी था। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की तरफ से ये सम्मानजनक कार्यक्रम, ये दृश्य जो हर किसी के दिल को छू रहा है, ना सिर्फ तस्वीरों के जरिए बल्कि वाणी में। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की
आज के इस पल की चर्चा करेंगे और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी वाणी में भी इस बात का जिक्र बखूबी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं किस प्रकार की कमी रही पता नहीं, लेकिन जरूर कोई कमी रही होगी जो 500 वर्षों का संघर्ष लगा है इसमें। लेकिन आज चूंकि खास दिन, ऐतिहासिक दिन, निश्चित तौर पर जब इतिहास को पलटकर देखा जाएगा तब इस दिन को जरूर याद किया जाएगा। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से बाहर आया है, अनाज और बहुत सा सोना चांदी यहां पर पहुंचा है, साथ ही मंदिर की नींव के लिए मध्य प्रदेश से गिट्टी भी आई। असम से नगाड़ा और ताली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावट, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावणहत्ता, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से भूता। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जश्न मनाया गया उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर सबसे पहले जिक्र सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण आज पहुंचे, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर दिखे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नर नारायण बड़े मंदिर में दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया है। सीएम साय ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। शिवरी नारायण में सीएम साय ने हजारों भक्तों के साथ अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया। सबके लिए खुशी का विषय है और छत्तीसगढ़ के लिए तो ज़्यादा खुशी का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की नगरी है, आज पूरा देश ही नहीं दुनिया राममय है। और इस अवसर में हम यहाँ पर शिवरी नारायण आए हैं, माता सबरी का एक जन्मस्थली है, वो सभी माता जो आदिवासी समाज से थी और भगवान राम को प्रेम से अपना जूठा बेर खिलाई थी। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से भी प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन का सभी को इंतजार रहा है, तमाम आरोप प्रत्यारोप खत्म अब हो जाएंगे, हमने भी राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देख लिया है, सबके हैं राम, सबको रामलला के दर्शन कराने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर भी टिप्पणी कहा है कि हम अपने हिसाब से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। आपने भी यहाँ पर आयोजन करके रखा हुआ है इस क्षण का, तो सब लोगों को इंतजार था कि बहुत सालों से चल रहा था वो क्षण आज पूरा हो रहा है, लोग बेसब्री से इंतजार था कि स्थापित होते हुए देखें। और पूरे हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू धर्म के लोग एकत्रित होकर के इसको अपने आँखों से स्थापित हो देखना चाहते हैं, उसके लिए सब यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको लगता है समाप्त हो जाएगा या लोकसभा में इसका फर्क पड़ेगा? आप देखिए, जाति जैसी भावना, जो जैसा सोचता है, मंदिर सब कोई जाते हैं, पूजा सब कोई करते हैं और भगवान सबके हैं, इसमें नहीं है कि केवल पार्टी या दल विशेष के लोगों को ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद सबको मिलेगा।
और डिप्टी सीएम अरुण साहू अपनी पत्नी के साथ बिलासपुर राम मंदिर पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री राम की पूजा अर्चना भी की है। बेहद ही खास तस्वीरें वहां से भी निकलकर सामने आई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में राम भक्तों की मौजूदगी आज बिलासपुर में भी रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम अरुण साहू हमारे साथ है। 500 वर्षों की तपस्या आज सफल होने जा रही है। निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान के लिए, राम भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और यादगार है। जब 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, और छत्तीसगढ़ चूंकि भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में हर एक व्यक्ति आज अपने आप को भगवान राम की भक्ति में पूरी तरह से डुबा रखा है। अलग अलग प्रकार की लोगों ने तैयारियां कर रखी है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया करने के लिए लगा हुआ है, और आज का दिन जिस प्रकार से उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, और सब लोग भगवान राम की भक्ति में लीन है। एक वर्षों पुरानी तपस्या थी, 500 वर्षों। हालांकि भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन इस राम को मंदिर में प्रवेश होने के लिए 500 वर्षों का इंतजार। 500 वर्षों की सांस्कृतिक गुलामी के बाद प्रभु श्री राम टाट से ठाठ में जा रहे हैं, और हमारे लिए तो भांचा राम है, तो हमने सजा दिया है गुलशन छत्तीसगढ़ को, जैसा गुलशन होता है, क्योंकि भांचा राम आए हैं। अब किस तरीके से आगे की रूपरेखा तय होगी, छत्तीसगढ़ के जो राम भक्त हैं उनको ले जाने की क्या कुछ व्यवस्था सरकार के पूर्ण द्वारा? छत्तीसगढ़ अपने भांचा के आगमन पर प्रसन्न है, और छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास, हमारे यहाँ तो हर बात में राम है, और जिसके कण कण में राम हो उसका विकास अपनी गति पकड़ेगा ही। जनता का सरोकार, जनता के साथ जनता का। और बिलासपुर में तिलक नगर स्थित राम मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भजन कीर्तन कर लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं, राम मंदिर पहुंचे हैं। भरपूर इस प्रकार का उत्साह जिसमें राममय माहौल आपको जरूर नजर आएगा। बिलासपुर की तस्वीर हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे थे। आपने अरुण साहू को भी देखा, और ये नजारा भी आप देखिए किस प्रकार से रंगोली बनाकर अपने उत्साह को प्रकट करने का प्रयास यहाँ के लोगों ने किया है। साथ ही साथ तस्वीरें भव्य आयोजन की जो अयोध्या में चल रही है उनको देखने के लिए भी सभी आतुर रहे। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने स्तर पर तमाम प्रयास करता हुआ कि इस उत्साह को जरूर प्रकट किया जा सके। 500 वर्षों का आखिरकार इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, जब रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आप देख सकते हैं कि बिलासपुर में भी पूरी तैयारियां जोरों पर है, और राम मंदिर में सुबह से जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हर कोई